काफ़ी जो है वो काफ़ी तादाद में चर्च और बंग जो है चर्च की रिकवरी हुई और बंग डिस्ट्रक्शन किया गया है। इसमें पुलवामा के डिफरेंट एरियाज में रेड्स किए गए जिसमें कुल 22 केसेस अब तक रजिस्टर हुए हैं और चार क्विंटल से भी ज़्यादा जो है कुल ये चार्स या कैनबिस वगैरह रिकवर की है पुलवामा पुलिस ने। इसमें एक ऑटोमोबाइल भी जो हमने पकड़ा है और बहुत सारे जो क्रोनिक और जो ये ड्रग पेडलर्स थे उनको जो है वो रास्ते में दिया जा चुका है। अनरेस्ट में कितना फायदा नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं? अनरेस्ट में क्योंकि फिर लाइन रेड को डील करते हुए या जो कुछ बाकी मसाइल के कारण पुलिस जो है वो हर इलाके में जो घूम नहीं सकती, तो इस वजह से जब ये लाइन रेड का ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम रहा उसमें जो ड्रग पेडलर्स थे उन्होंने ये धंधा काफ़ी तादाद में करने किया है ऐसी रिपोर्ट्स। और हमारी ये कोशिश है कि ताकि इसको हम जो है वो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें, लोगों का इसमें हमें तावन हासिल है तो इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी काफ़ी हद तक मिलेगी लोगों के तावन से और हम इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। हमारा पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो है हमारे बाला अफसरों का भी और जो टीम पुलवामा है ये इन सब का ये जो तहिया है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस जो है इस पर रहेगा। एरिया में जो है वो इसकी खराब तैयार होने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करें और जो है अगर जो काश्तकारी कोई करेगा उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, उसकी जो है ज़मीन जिसकी अगर कोई इसके धंधे के लिए इस्तेमाल करता है या उसमें ये चीज़ें बोता है तो उसके खिलाफ भी एक कानून है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवेयरनेस प्रोग्राम कोई चलाया जाएगा इसमें? हाँ, उसमें ज़रूर चलाएंगे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाएंगे ताकि इसके कितने जो है वो बुरे असरात हैं और इसका जो है जो ओवरऑल जवानों के जो है पे कितना बुरा असर पड़ता है, माशरे पे कितना बुरा असर है, तो इसके लिए हम ज़रूर जो है वो कोई ना कोई वर्कशॉप या अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करवाएंगे। और अगर जैसे किसी एनजीओ के तावन से अगर कोई प्रोग्राम होता होगा उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे।